हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन अब में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट आपका दो से तीन प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। उससे पहले कि आपके जीएस के कुछ पार्ट में क्वेश्चंस थे, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद कृपया फीडबैक ज़रूर दें। आपके फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका नेगेटिव फीडबैक है तो मोस्ट वेरी मोस्ट वेलकम टू यू। अगर आपका पॉजिटिव है तो भी वेरी वेलकम टू यू। तो कृपया फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वेस्ट प्लान सिटी इन इंडिया। भारत की पहली ऐसी कौन सी पहले पहला ऐसा कौन सा शहर है जो योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ है, या फिर बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, या वेल प्लान सिटी है। ऑप्शन दे रखे हैं, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बसा गया है। ये 1947 के बाद ये डेवलप किया गया था इंजीनियर्स द्वारा, और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से बसा हुआ है। बेल प्लान का मतलब क्या होता है? बेल प्लान का मतलब होता है उसमें सड़कें अच्छी हों, एक सभी सड़कें एक तरह से हों, मकानों का क्रम एक जैसा हो, जल निकासी एक जैसी हो, अच्छी हो, बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से हों, चरणबद्ध तरीके से के एक निश्चित क्रम में हों। और चंडीगढ़ जो स्वच्छता रैंकिंग है उसमें टॉप 5 में आता है। टॉप 5 में टॉप 1 कौन सा है? टॉप 1 हमारा टॉप 1 है, या फर्स्ट नंबर पर आता है इंदौर। इंदौर जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। चंडीगढ़ या तो 2 आता है या 3rd आता है, यह ध्यान रखिएगा, टॉप 5 में आता है। तो चंडीगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। अगर आप विजिट नहीं किए तो आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम द 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा तो वोटिंग एज है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी, 21 साल से 18 साल। ऑप्शंस हैं, 64वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 60वें संविधान संशोधन और 63वें संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा 61वें संविधान संशोधन। 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हुआ था 1988 में। और जो एज दिए है, जो एज दिया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग एज, वो आपका आर्टिकल 326 में होगा। आर्टिकल 326 में अगर पूछ क्वेश्चन में यहाँ से बन जाता है कि संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1988, और जो वोटिंग एज दी होती है लोकसभा के, वोटिंग एज दी होती है मतदाता के लिए, वो 326 में दी होती है, आर्टिकल 326, आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। किसी कोई परमाणु है, मान लीजिए परमाणु में होता क्या क्या है, सबसे बेसिक चीज़ें हैं परमाणु में, होते हैं 3 का तत्व, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है हमारा निगेटिव, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो लिख सकते हैं उसे, ना ही प्लस ना ही माइनस, और प्रोटॉन हमारा होता है पॉजिटिव। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्लस या पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है या फिर ऋणावेशित होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और क्वेश्चन कह रहा है, अगर कोई परमाणु है उसमें प्रोटॉन की संख्या समान है और न्यूट्रॉन की संख्या उसमें अलग अलग है या बदली हुई है, तो उस परमाणु को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखें, आइसोटोप, आइसोथर्म, आयंस और हिग्स बोसॉन। आयनियंस होता है निगेटिव, निगेटिव चार्ज या ऋणायन। आइसोथर्म होता है समताप, समताप का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। हिग्स बोसान ये हो नहीं सकता, ये एक प्रकार की किरणें होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आइसोटोप या समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कार्बन ले लिया, कार्बन में परमाणु होते हैं, प्रोटॉन होते हैं 6, कार्बन में प्रोटॉन होते हैं 6। अब कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, C12, कार्बन 12, C13 और C14। अब यहाँ से कितने ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है, कार्बन के आइसोटोप बताइए या समस्थानिक बताइए। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 होते हैं, C12, C13 और C14। और C14 होता क्या होता है, कार्बन 14 होता है, कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग एक ऐसी पद्धति है जिससे हम प्राणी या जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे उनकी आयु के बारे में गणना करते हैं कि उनकी आयु कितनी है,
कितनी साल पुरानी है, कितने हजार साल पुरानी है। और मान लीजिए आपका कोई पुराने जमाने का कोई कोई भी सिक्का मिल गया, तो आप कैसे बताएंगे कि ये 2000 सन 2000 का है, 2000 का है, 2010 का है? क्योंकि अब तो सिक्के पर सन लिखा होता था, सिक्के पर सन लिखा है। आप कोई भी कॉइन लेंगे तो उस पर सन लिखा होगा 2020, मान लीजिए 2020 में बना है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, तो हम उसे कैसे पता करेंगे? उसे हम करेंगे C14 या कार्बन डेटिंग से। पुरानी पद्धति जीवाश्मों का आयु निकालने वाली गणना कार्बन डेटिंग से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 15 इज द सेलिब्रेटेड एज। जनवरी 15 को हम किस रूप में मनाते हैं, या 15 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, लेबर डे, आर्मी डे, रिपब्लिक डे, मकर संक्रांति। इसका सही उत्तर है आर्मी डे, 15 जनवरी। 15 जनवरी से हम मना कब कब से रहे हैं इसे? 15 जनवरी से हम मना रहे हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे बना रहे हैं हम, 15 जनवरी 1949 से, जब हमारे जनरल हुआ करते थे के एम करियप्पा, जो पहले कमांडर बने थे आर्मी में, या पहले जनरल बने थे आर्मी में, उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में 15 जनवरी को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज कॉज। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपने मेरे बायो के वीडियो देखे हैं तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। यूट्यूब पर इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताता जितना डिटेल में मैंने बताने की कोशिश करी है। आप अगर बायो की वीडियो देखें तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, सभी का आपको आंसर पता होगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, रिकेट्स और पेलाग्रा। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट ब्लाइंडनेस, या रतौंधी, हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, रतौंधी। अन्य के बारे में बता दूं, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, या बी फॉर बेरी, सीधे सीधे। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। पेलाग्रा को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पेलाग्रा किसकी कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी, ध्यान रखिएगा विटामिन सी इसमें दिया नहीं है, वो होता है स्कर्बी, स्कर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैजिक सीड। मैजिक सीड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैजिक सीड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, साइरस मिस्त्री, बी एस नायपॉल, झुंपा लाहिड़ी और विक्रम सिंह। तो मैजिक सीड पुस्तक के लेखक हैं हमारे बी एस नायपॉल साहब, बी एस नायपॉल, जो कि काफ़ी फेमस बुक मानी जाती है बी एस नायपॉल की। और ये नेक्स्ट वर्जन है हाफ अ लाइफ का, जो कि 2001 में प्रदर्शित हुई थी, हाफ अ लाइफ, हाफ अ लाइफ। इसका अगला वर्जन है क्या? मैजिक सीड, मैजिक सीड 2004 में प्रदर्शित हुई थी, और इसके सह लेखक हैं अमेरिका के अल्फ्रेड ए कैनॉफ, अल्फ्रेड ए कैनॉफ, जो कि काफ़ी, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रखिएगा। मैजिक सीड के लेखक कौन है? बी एस नायपॉल। और इसका प्रीवियस वर्जन कौन सा है? प्रीवियस वर्जन है हाफ हाफ ए लाइफ, आधा जीवन हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेर डू भगीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा। निम्नलिखित में से जो भगीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी है, वो गंगा गंगा को कहाँ मिलती हैं? गंगा कई धाराओं से मिलकर बनी है, आपको ध्यान ही होगा, पता ही होगा। जो अगर गंगा जहाँ से निकलती है गोमुख से, गोमुख से मान लीजिए गंगा ये निकल रही है, तो ये किसी पॉइंट पर भगीरथी और अलकनंदा नदी से मिलती है। वो पॉइंट का नेम हमें बताना है, पॉइंट का नेम क्या है? पॉइंट का नेम है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग है कहाँ पे? उत्तराखंड, UK। गंगा निकलती कहाँ से है? गोमुख से, ध्यान रखिएगा गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शन। निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र क्या है जिसमें हम लोकसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, या लोकसभा इलेक्शन के लिए हम लोकसभा इलेक्शन में हम भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये लोकसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम एज क्या होगी? ऑप्शन देखें, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 25 ईयर्स, कितना? 25 साल। 25 साल की उम्र में हम लोकसभा इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। और ये अनुच्छेद 84B, 84B, आर्टिकल 84B में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। निम्नलिखित में से कौन
किसने इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज लिखी है, नामक पुस्तक लिखी है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है झुंपा लाहिड़ी, अमित त्रिपाठी, रविंद्र सिंह और सलमान रश्दी। रविंद्र सिंह और सलमान रश्दी जो कि नीचे हैं ऑप्शन सबके, तो इसका सही उत्तर होगा झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी जो कि इंडियन अमेरिकन नागरिक है, इंडियन अमेरिकन नागरिक है, और ये काफ़ी फेमस बुक है। ये 1999 में पब्लिश हुई थी, 1999 में प्रकाशित हुई थी। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज लिखा किसने है? झुंपा लाहिड़ी ने। और इसमें 2000 में से पुलित्जर प्राइज मिला था, सन 2000 में से पुलित्जर प्राइज मिला था। इसकी 15 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, 15 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, और ये अभी भी ओपरा विनफ्रे की 10 टॉप 10 बुक में आता है। टॉप 10 बुक में इनका ये उपन्यास आता है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? झुंपा लाहिड़ी, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए इन्हें पुलित्जर मिला है सन 2000 में, और ये पब्लिश कब हुई थी? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लोनार लेक इज सिचुएटेड इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोनार लेक इज सिचुएटेड इन, लोनार लेक या लोनार झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे महाराष्ट्र, बंगाल, मिजोरम और उड़ीसा। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। लोनार लेक है क्या? लोनार लेक है क्रेटर लेक, क्रेटर क्या होता है, क्रेटर लेक क्या होता है, या क्रेटर झील क्या होता है? तो अगर कोई पिंड या कोई टुकड़ा, कोई उपग्रह अगर पृथ्वी से टकराए तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, वहाँ पे चारों तरफ मिट्टी उठी हुई होती है, और जहाँ पे वो गिरा होता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, तो उसे ही हम क्रेटर लेक कहते हैं। इसका स्वरूप कुछ ऐसा होता है बिल्कुल गोले की तरह। ये मान लीजिए पानी है और ये इसका उठा हुआ स्थल भाग है, तो ये बीच में जो पानी भर जाता है इसे ही क्रेटर झील कहेंगे। तो ये महाराष्ट्र में है, भारत की एकमात्र क्रेटर झील है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेस्ट बंगाल में हमारा गंगा सागर है, गंगा सागर आपको ऐसे बता देता हूँ, कोई झील नहीं है। मिजोरम में एक तैरता हुआ एकमात्र भारत का तैरता हुआ एकमात्र अभयारण्य है, जो इसका नाम है केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ। नेम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको बस याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। केबिल लाम जाओ करके है, उड़ीसा में हमारा चिल्का लेक आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।